इस समय अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि उनका फेवरेट रियलिटी शो कौन सा है, तो 90% लोगों का जवाब एक ही होगा कि उनका फेवरेट रियलिटी शो है लाफ्टर शेफ। मेरा खुद का भी ये बहुत फेवरेट शो है और हम लोग इसके एपिसोड्स का इंतज़ार करते हैं। लेकिन इसके चाहने वालों के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है कि ये शो बहुत जल्दी ऑफ एयर होने वाला है। हालांकि पहले शो के एक्सटेंशन की बात आई थी जो कि अब कैंसिल हो गई है, और उसके कैंसिल होने की वजह इस शो के कंटेस्टेंट्स ही हैं। पहले तो अर्जुन बिजलानी को एक नया शो मिला है इस शो के लिए, वो अब लाफ्टर शेफ में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण है इसी शो की एक और कंटेस्टेंट निया शर्मा। निया शर्मा ने इस बार पहली बार बिग बॉस के लिए हामी भरी है। निया को इस शो के लिए काफ़ी बार ऑफर्स आए हैं, लेकिन निया ने हर बार बिग बॉस को डिक्लाइन किया है। लेकिन खबर पक्की है कि निया इस बार बिग बॉस 18 में आ रही हैं। तो अब आप जिस समय पे लाफ्टर शेफ का लुत्फ उठा रहे हैं, उसी समय पे अब आपको बिग बॉस देखने को मिलेगा और उसी के साथ लाफ्टर शेफ ऑफ एयर हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी खबर के साथ आपके लिए खुशखबरी भी है। जैसे ही बिग बॉस ऑफ एयर होगा, यानी कि दिसंबर या जनवरी में, तुरंत ही लाफ्टर शेफ के नए एपिसोड्स आना चालू हो जाएंगे। लाफ्टर शेफ वापसी करेगा अपने सीजन 2 के साथ। बस अब देखना ये है कि लाफ्टर शेफ के कंटेस्टेंट यही रहेंगे या बदल जाएंगे। आप हमें इस वीडियो में कमेंट के द्वारा अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि आप इन्हीं कंटेस्टेंट को वापस देखना चाहते हैं या कुछ फ्रेश कंटेस्टेंट को देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।